चले गए मैं। आर यू रेडी टू गो बैक होम? हाँ जी अनीश। यस सो वी आर ऑल सेट। तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय नेम इज पंकज, यू आर वाचिंग दी शर्माज। गाइस आज है चेकआउट का दिन और आज मैं सोच रहा कि जाने से पहले पूरा रिव्यू दे दूँ होटल का कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, कि अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। तो लोकेशन पहले मैं आपको दिखाऊंगा, लोकेशन कैसी कैसी नहीं है। लोकेशन इज सुपर्ब। तो वो सामने से एंट्रेंस आ रही है, ठीक है। प्लस दिस इज द लोकेशन, ये सामने गंगा जी बह रहे हैं, ठीक है। ये पहाड़, ये सामने नीचे रोड। सो ये रिसेप्शन एरिया, ये आगे वॉल क्लाइंबिंग जो मैंने लास्ट व्लॉग में करी थी यहाँ देखी। ये आगे हमारा पूल और ये रहा टाली। अब यहाँ से आपने चेक इन करा, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे ऊपर। दिस इज कॉन्फ्रेंस रूम, अगर आपको कुछ कॉन्फ्रेंस करनी हो तो यहाँ से स्टार्ट है। ये आप सिर्फ ना सीधा देखना बस। ये रहा कैफेटेरिया। अब हमारा रूम इस बार ही जो सेकंड डे था, ये वाला कल मैं आपको रूम दिखाया था, एक ये वाला एक उसके साथ वाला। ये ओपन सिटिंग एरिया है सारा। आपने तो पसीना देख लिया होगा, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। और जैसे कि मंडे है ना, तो कल रात को ही बहुत सारे लोग चेकआउट करके चले गए थे। ये बाहर एक और एरिया है, यहाँ पे बूफे लगता है और दे सर्व यू ऑन योर प्लेट्स। तो ये भैया थे जिन्होंने हमारी सेवा करी, तो इनसे बात कर रहा दो मिनट। और ये मैं अब चल रहा हूँ, ये बाहर कैफेटेरिया का मतलब सिटिंग है। अंदर ही बैठे हो, बाहर बैठे हो, मोस्टली लोग प्रेफर शाम को अंदर बैठना ही बाहर बैठना करते हैं। शाम को मौसम प्लेजेंट हो जाता है, बट दिन में बहुत, अभी मेरे आग पसीने से पता लग रहा होगा आपको अंदर, लेकिन एसी चिल्ड है, दिन में आप अंदर बैठ सकते हो। अब यहाँ से आप व्यू देखें, ये सेम व्यू मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे है कि बैठ के खड़े होकर आराम से चिल कर सकते हो यहाँ पे, मतलब शांति वाला माहौल मिल जाता है यहाँ पे। और एक चीज़ अच्छी और है यहाँ पे कि यहाँ पे वर्कर तो है ही अच्छे, प्लस जो उनका जो मैनेजर है हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। वो हर बार ही आएंगे, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमको ये मिल गया था कॉटेज जो कि नीचे ही है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखाया था हमको, सीधे चढ़नी शुरू करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ व्यू शानदार है, सब कुछ है, बट हम लोगों को पता है, आपको बताइए कि इतनी वर्कआउट करने की आदत है नहीं। अब ये है कि अब करना पड़ेगा वर्कआउट यार। और मैं और अनिश यही डिसाइड कर रहे थे कि घर पे वर्कआउट करना शुरू करते। अब ये सीढ़ियाँ यहाँ से और ऊपर जा रही हैं, और यहाँ से भी अगर मैं चलूँगा ना, फुल टॉप पे फ्लोर है। और मतलब पहले दिन तो हमारा डिसअपॉइंट हो गया इतना कि यार इतना अच्छा होटल करके आए, रास्ते में 3-4 बारी रोका, कोविड रिपोर्ट चेक करी, एंट्री करवाई यूके में एंटर होते होते भी, फिर उसके बाद ऋषिकेश से भी आगे 36 किलोमीटर है। बट हमको लगा यहाँ पहुँचे हम शाम को 4 बजे सुबह गाड़ी चला के, हमको लगा कि यार थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब उन्होंने हमको वो दिखाया रूम तो हमारा मूड सारा ख़राब हो गया। फिर हमने अपने भाई जिसको रूम बुक करने के लिए बोलता है उसको बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमने रिक्वेस्ट करी, तो तब जाके उसने कहा चलो मैं अगले दिन चेंज करवाता हूँ। फिर उसने चेंज करवाया, ठीक है, बट कल जो मज़ा आया ना उससे फन पूरा मिल गया। ठीक है भैया, बाय बाय, आप ध्यान रखना अपना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। इट वॉज फन गाइस, दो दिन की शॉर्ट ट्रिप जो है बहुत बढ़िया थी और मेरे हिसाब से आना चाहिए, मस्ट विजिट है। हाँ, अगर ये मेक श्योर ये करना कि रूम सर्विस नहीं मिलती और जो है रूम सबको ऊपर मिल सकते हैं। ये रे मुकेश भाई, कैसे हो? सो कैसा लगा आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा। थैंक यू सो मच आपसे मिलने के लिए भैया, बड़ा मज़ा आया।
चलो जी अब ऋषिकेश की धरती को बाय बोलते हैं। YouTube ये बहुत बहुत स्टीप चढ़ाई है ना जी, कैसे लग रहा है? बाय बाय अटाली। तो ज्योति हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ग्रेट। अच्छा था? बहुत अच्छा। अच्छा था, बहुत अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो चढ़ाई है। चढ़ाई वाला। और सिर्फ सिर्फ तेरा एक्सपीरियंस कैसा था भाई? बहुत अच्छा है। चल तो जी आपने नजारा देख लिया होगा कि पहाड़ों का मजेदार गाड़ी चलाना एक्सपीरियंस। दो पैच है जो दिल्ली से ऋषिकेश तक के रास्ते में, उस पर थोड़ा सा जो है काम चल रहा है, अदरवाइज जो है एक आधी बारी गाड़ी मेरी नीचे भी लगी है वहाँ पे, उस पर काम शुरू हो गया और 10-15 दिन में वो भी काम खत्म हो जाएगा। गाड़ी बिल्कुल साफ है, नज़ारे आपने देख लिए होंगे, कितनी शानदार रोड और कितने शानदार पहाड़ थे। पहाड़ी जो कटी हुई ना बहुत अच्छी लगती है। अब हमने सोचा वापसी जा ही रही है तो एक मरीन ड्राइव है कि अब 8 मिनट दूर रह गया है और हमारे होटल से था ये समवे अराउंड 24 किलोमीटर ना सिदक, तो वहाँ से 1 घंटे के करीब लगा हमको। और मतलब ये 15 मिनट तो आप समझ लो कि ये शहर में ही हो गया, हमको यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है। ये राजी मरीन ड्राइव, ये पूरी सीधी रोड है जो इसको मरीन ड्राइव कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक वहाँ से शुरू है। अगर बच्चे बता आप क्या सोचा था और क्या निकला? सोचा था कुछ और था है? पहाड़ा हमने फोटो में देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था ना? नहीं भाई फोटो में बहुत अच्छा था। अब एकदम से मतलब ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा, चलो गंगा जी है तो अच्छी बात है। व्यू कितना प्यारा है, व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत सुंदर है। देख ज्योति बादल देख। रेस्टोरेंट्स का नहीं सोचा था मैंने, कुछ एरिया ऐसा ही सोचा था, बट सुंदर सोचा था। मतलब ये डेकोरेटिव अगर पानी दिखता तो अच्छा लगता है ना। फोटो आई हो मेरे को पानी का लेवल बहुत नीचे। गाइस लोग खींचते हैं कैंडिड फोटो, ये मेरे को तो भूख लगी है मैगी पॉइंट होगा मैगी पॉइंट तो मैं मैगी खा लेंगे। चाय देने आते हैं, चाय देने वाले भी नहीं है मरीन ड्राइव में। तो अब निकल रहे जी, अब पहले कुछ खा लेंगे उसके बाद जो है हम फिर अनीश टॉप टॉप गाड़ी शाम को 5-6 बजे तक लगा देंगे गाड़ी। और पार्किंग भी ऐसा जितनी बड़ी नहीं है, यहाँ पार्किंग कहीं जगह नहीं मिली, हमने रोड पे लगाई है पार्किंग। लेकिन लोग तो आ रहे हैं मरीन ड्राइव करके, बट स्टिल 289 किलोमीटर, 7 घंटे 48 मिनट। हम नहीं 5:45 बजे करीब हम दिल्ली पहुँचे थे, उसके बाद जो जाम मिला है और एवरेज देख लो, एवरेज बहुत अच्छी दी है इसने 19.2 की। अभी पहले हाईवे 20 की एवरेज दिखा रहा था, सही एवरेज देती यार। और दूसरा फ्यूल लगा होगा समझ लो 2 या 2.5 हज़ार रुपये का, 2.5-3 हज़ार रुपये का लगा। अब रिजर्व दिखा रहे ना, टैंक 1/4 था उसके बाद यहाँ तक पहुँचे टैंक, तो उसके बाद से अब मैंने नींद लगा दी, घर पहुंच चुके हैं। प्लस थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, पीठ टूट गई है और पैर टूट गए, बस अब थोड़ी देर में मिलता हूँ।